मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, जीते रहें। मेरी तमाम वीडियो में आपके लिए दुआएं, अल्लाह आपको हर मैदान में फतेह कामयाबी अता फरमा करें और आपकी फैमिली खुश रहे, हर मैदान में आपकी कामयाबी हो। नेक ख्वाहिश, नेक तमन्ना जो है अल्लाह पूरी फरमाए। मैं दुआएँ करता हूँ दोस्तों, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, फजर में इंशाल्लाह दुआएं होती हैं, जुमेरात जुमे को खुसूसन दुआएं देते हैं। और दुआ फ़कीर रहम अल्लाह और हर मैदान में फतेह कामयाबी आपके, पढ़ते सलामत रहें, फैमिली के खुश रहें आप, मेरी दुआएं हैं। और आउट कंट्री वाले परदेसी भाई जो परदेश में अपने फैमिली बच्चों को छोड़कर रह रहे हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान फरमा दे अपने हबीब के सदक़े में, आमीन। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है और इस पर रूहानी वीडियो भी हम अपलोड करते हैं और यूनानी जड़ी बूटियों की भी। क्यों आप किसी आमिल के पास ना जाएं, ना जाली अताई हुक्मा के पास जाएं, घर बैठे आप सारे मसलों के हल करें। नए मेम्बरान चैनल सब्सक्राइब्स कर लें और जो पुरानी वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, नीचे मेरी पिक है इत्तफाक हुसैन लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक कर दें, हमारा ख़जाना सीने के राज आपके सामने आ जाएंगे, घर बैठे आप अपने तमाम मसाइल के हल करें। दोस्तों आज एक तोहफ़ा मैं ख़वातीन के लिए लाया हूँ, जो मामूल मतब है हमारा, वो राज दे रहा हूँ आपको। जाएँ लाख रुपए खर्च करने के बाद भी जिन बच्चियों का इलाज नहीं हुआ है, जाएँ मुझे दुआएं देंगे, मेरी नस्ल को दुआएं देंगे, वो चीज़ दे रहा हूँ, हाथ काट कर पेश कर रहा हूँ आपके सामने। हमारे राज हैं बुज़ुर्गों के जो मैं देता हूँ। आप लाइक कर दिया करें वीडियो को, अच्छा कॉमेंट्स दे दिया करें, दिल खुश हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। नुस्खा नोट फरमाएँ, तुख्मे भंग ले लें आप 25 ग्राम, कीकर की फली ले लें 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम लें, नाग केसर 15 ग्राम लें, तुख्मे सोलंगी 35 ग्राम लें, सब्ज़ इलायची 25 ग्राम लें, मिश्री जो है ये आपने 50 ग्राम लेनी। आप इस नुस्खे को सफूफ करके, पाउडर करके, संभाल के रख लें। करना क्या है गौर से सुने, जब डेट आ जाए, आपको महीना आ जाए बच्चियों को, तो तुख्मे हरमल का सफूफ जो है 50 ग्राम जो है ये बना के रख लें, या 30 ग्राम बना के रख लें, थोड़ा सा रखें, सिर्फ ये डेट के दौरान ही इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये आपने तुख्मे हरमल बाद, ये तुख्मे हरमल जो है दोस्तों, ये आपने पीस कर सफूफ करके रख लेना है। जब डेट आ जाए, उस डेट के दौरान आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो डेट आती है, उस दौरान 3 से 4 दिन ये नुस्खा छोटा चम्मच आधा नाश्ते के बाद, 1 घंटे के बाद पानी से, और शाम 5 बजे पानी से दें। उसमें सारे गंदे मवाद ये मेंसेस के दौरान निकल जाएंगे, सारे साफ़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको नुस्खा हमने ऊपर बनवा कर तैयार करके रखवाया है, डेट जैसे फारिग हों, जैसे नहाएं, तो ये 12 से 15 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करा दें। छोटा चम्मच जो है आप इस्तेमाल कराएं नाश्ता के बाद, इस्तेमाल करा दें 1-1.5 घंटा के बाद, और 1 चम्मच जो है छोटी नाश्ता के बाद, और 1 शाम 5 बजे दे दें, दूध के साथ दें। तो ये हमारे मामूल मतब है जो मैंने आज आपको अपना ये सीने का राज दे दिया, हाथ काट कर पेश कर दिए आपके सामने। भांच औरत को दे दो आंखें बंद करके, जिनका बच्चा होकर दोबारा जो है ज़ाया हो गया, मिसकैरेज हो गया, फिर नहीं हुआ, या होने के बाद मर गया है, ठीक है, ये भी भांच के अंदर ही ये मसाइल आते हैं। कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे मर जाते हैं, कोई पेट में मर जाते हैं, कोई 1-2 साल के होके मर जाते हैं, ये उसको बच्ची को दे दें। और जिनको वैसे ही कोई मसाइल हैं, भांच औरत जिसे कहते हैं, मसाइल हैं किसी किस्म के, ये उसको भी दे सकते हैं। जिनका बच्चा एक बार होकर नहीं हुआ दोबारा, उनको भी दे दें, और जिनको नहीं हो रहे शादी के बाद, तो ये भांच औरत उसको दे दें। जितने भी मसाइल हैं सारे ही ठीक हो जाएंगे। 21 दिन, ये 12 दिन 15 दिन गुजरने के बाद फिर आपको खुशखबरी मिले तो दुआओं में ज़रूर याद कर देना मेरी बच्चियों, कमेंट्स दे दें, अच्छा सा लाइक कर दिया करें, बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त देते, रब रखा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।